अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। बिस्मिल ड्रामा तो हम लोगों ने देखा ही है और आजकल वैसे भी काफ़ी यू नो ट्रेंडिंग में है। और आजकल जो है इस ड्रामे की एपिसोड, इस ड्रामे की स्टोरी लाइन, इस ड्रामे का सब कुछ जो है इतना सब कुछ डायलॉग, स्टोरी लाइन, एपिसोड इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आ रही हैं, पूरी की पूरी स्टोरी इतनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग, सस्पेंस वाली हो गई हुई हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि जो रेहम है तौकीर की पहली बीवी, इसको भी सब कुछ पता चल गया है मासूम और तौकीर के बारे में, सब कुछ जो है वो जान चुकी है। और आगे से जो है और भी इंटरेस्टिंग एपिसोड हो जाएंगी जब तौकीर और रेहम के बेटे को पता चलेगा कि मेरी मामा के साथ मेरे बाबा ने क्या कुछ किया और क्या कुछ करते आए हैं, और उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। और ये ड्रामा जो है और इस ड्रामे की स्टोरी लाइन भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। वैसे ही ऑलरेडी इतनी इंटरेस्टिंग है और आगे जाके और इंटरेस्टिंग हो जाएगी। और हम लोग जो है आगे जाके बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग चीज़ें भी देखेंगे इस ड्रामे के बारे में। और आप लोगों को पता है कि जैसे कोई ड्रामा, कोई भी इंसान, कोई इन्फ्लुएंसर, कोई सिंगर, कुछ भी, कोई भी इंसान जैसे फेमस होना शुरू हो जाता है, जैसे वायरल होना शुरू हो जाता है, तो जी उसका एक शो में आना ज़रूर बनता है। और वो शो है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, जो कि निदा यासर करवाती हैं। ठीक है, तो निदा यासर ने देखा कि जी आजकल जो है ड्रामा काफ़ी फेमस हो रहा है, तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता है कि उन्होंने हर एक को जो भी वायरल हो रहा होता है उसको ज़रूर अपने शो पे बुलाना होता है। तो उन्होंने जो है ना इस ड्रामे की कास्ट को जो है, जितने भी लोग इस ड्रामे में काम कर रहे हैं, उन सबको जो है अपने शो पर बुलाया है। और वो सारे वहाँ पर गए हैं और इस शो की एक एपिसोड बनाई है, इस सारे शो की जो एक एपिसोड शूट करवाई है वहाँ जाके, बिस्मिल ड्रामे की एपिसोड। और वहाँ पे जी इनसे यू नो तरह तरह के सवाल पूछे गए कि ड्रामा कैसा शूट हुआ, कब हुआ, और ड्रामे की स्टोरी लाइन किस तरह है, और आगे हम लोगों को देखने को क्या क्या मिलेगा। इन सबका जो है बारी बारी इंटरव्यू किया गया, डिफरेंट डिफरेंट सवाल पूछे गए, और इस तरह से जो है इस ड्रामे की कास्ट को बुलाया गया, इन्वाइट किया गया। और ये जो शो है गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, इसकी एक एपिसोड इस तरह से शूट करवाई गई। और यहाँ पर जो है हम लोग देख सकते हैं कि सारे कितना अच्छा ड्रेसअप होके आए हैं, सारे इतना तैयार होके आए हैं। और ऑफ कोर्स अगर ये ड्रामा फेमस जा रहा है तो उसकी कास्ट को भी ज़रूर बुलाया जाएगा। ठीक है, मैं अभी तक ये हैरान कि कभी मैं कभी तुम जो इतना फेमस जा रहा है उसकी कास्ट को अभी तक नहीं बुलाया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद आगे जाके उसकी कास्ट को भी ज़रूर बुलाया जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि अब आगे कौन कौन से कास्ट आने वाली है इस गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में। अगर कभी मैं कभी तुम की कास्ट आई तो ज़रूर मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊँगी। फिलहाल तो बिस्मिल की कास्ट है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना। बाय।